कि आपने मतलब चाय वाली का मतलब कॉपी किया या कुछ बोल ही रहे होंगे लोग हाँ। तो लोग बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि एक दूसरे का कॉपी करके ही लोग बिजनेस करते हैं। सो है माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया हुआ हूँ गांधी मैदान, और गांधी मैदान में मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ तो आप लोग पीछे देख सकते हो, मेरे पीछे है ज्ञान भवन और इसके जस्ट बगल में है सभ्यता द्वार। और मैं यहाँ पे क्यों आया हुआ हूँ आप लोग टाइटल थंबनेल देखे तो समझ ही गए होंगे। और अभी एक ग्रेजुएट चाय वाली के बाद एक काफ़ी ज़्यादा जो चर्चित में जो चल रही है हमारी, उनसे इंस्पायर्ड होकर एक लड़की है, उनका नाम मोना है, जो कि ग्रेजुएट चाय वाली से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपना टी स्टॉल लगाया है। आप लोग वहाँ पर साइड में देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी लगा हुआ है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। न्यूज़ चैनल से लोग, यूट्यूब पर जितने ब्लॉगर से सब पहुंचे हुए हैं। तो वो उनका जो टी स्टॉल है वो आत्मनिर्भर चाय वाली से है। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं और दिखाते हैं वो कौन है। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मोना पटेल। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं समस्तीपुर से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, बट मैं रही बचपन से पूर्णिया के एक छोटा सा जगह है धमदाह, वहाँ मैं रही हूँ। तो आपका ये टी स्टॉल लगाने का मतलब कहाँ से ये माइंड में आया? टी स्टॉल लगाने का आइडिया बहुत पहले से आ रहा था, लेकिन मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ पे चाय खुद से बनाने का हिम्मत नहीं था, वो मुझे प्रियंका मैम से मिला। अच्छा, तो आप मतलब प्रियंका मैम से मतलब इंस्पायर्ड होकर आपने ये टी स्टॉल अपना लगाया है। फैमिली का मतलब क्या है, इसके ऊपर सपोर्ट है कुछ थोड़ा बहुत? अभी तक तो नहीं था, कल से थोड़ा बहुत सपोर्ट हो रहा है, कल से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि टी स्टॉल लगाने से पहले अपने फैमिली वाले को आपने बताया था कि मुझे टी स्टॉल मम्मी लगाना है घर पे? हाँ, मम्मी पापा को पता था, बट मैं चाय बेचूंगी ये नहीं पता, तो उनको लगा था मैं हेल्पर के द्वारा हैंडल करवाऊँगा। अच्छा, तो जब उनको आप बिना बताए जब आप ये काम की, तो उनको जब पता चला तो उनको मतलब कैसा लग रहा है और उनका क्या रिएक्शन है इसके बाद पता चलने के बाद? थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था उनको पहले कि पढ़ी लिखी लड़की चाय बेच रही है जी। अच्छा नहीं बोल रहे थे, बट अब थोड़ा देख रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट कर रही है, तो अब मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है करो कोई दिक्कत। तो आपको अभी तक किसी ने ये तो नहीं ना बोला कि आपने मतलब चाय वाली का मतलब कॉपी किया या कुछ? बोल ही रहे होंगे लोग हाँ। तो लोग बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि एक दूसरे का कॉपी करके ही लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन आपने मतलब चाय वाली के बाद जैसे स्टार्ट किया, तो काफी लोगों का यही कहना होगा कि आपने उनका मतलब कॉपी कर रही है। बिल्कुल बोल ही रहा है लोग बहुत सारे, मैंने कमेंट्स भी बहुत पढ़े, सब बोल रहा है कि कॉपी की है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्या लगता है आपने कॉपी किया या आपने अपना खुद से ये मतलब? मैंने खुद से किया, बस आप उनसे इंस्पायर्ड हुई? इंस्पायर्ड हुई मैं कॉपी, ना ही मैं उनको कंपटीशन देना चाहती हूँ ना ही कॉपी, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, मुझे उनसे प्रेरणा मिली है। तो ये आत्मनिर्भर नाम रखने का क्या आपका मकसद है? आत्मनिर्भर नाम रखने का मकसद है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और दूसरी बात ये है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से भी इंस्पायर्ड हूँ। तो प्रियंका जी जो है उन्होंने अपने हर वीडियो में मतलब सबके इंटरव्यू में यही बोल रही थी कि मैं सर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने उन्हीं का ये वर्ड सुनकर शायद नाम रखा? नहीं नहीं, उनका सुन के नहीं रखी हूँ मैं, बेसिकली मैं सोच रही थी कि क्या नाम रखूँ, उसके बाद मुझे लगा कि आत्मनिर्भर सही है, क्योंकि मैं बनना भी आत्मनिर्भर चाहती हूँ, और उन ये चीज़ मैंने उनसे नहीं सीखा, ये चीज़ मैं प्रधानमंत्री मोदी के बातों को ये ध्यान में। तो काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे आ रहे हैं आपके साथ मतलब ऐसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपको कोई इशू का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हुआ है, कॉमन लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है जी। तो मतलब कि आपका यहाँ पे जितना भी टीज वगैरह है, जैसे कि पान चाय हो गया, चॉकलेट चाय हो गया, सब अवेलेबल है या फिर? आज से अवेलेबल है चॉकलेट चाय और पान चाय, चॉकलेट चाय मेंशन नहीं की हूँ मैं, बट अवेलेबल है। तो चॉकलेट चाय आज अवेलेबल है आपका? ये जो टी स्टॉल है ये मतलब परमानेंट यहीं रहेगा या और कहीं चेंज करने वाले? इस बारे में नहीं सोचा है मैंने। चलिए, आपका मतलब स्टडी आप कहाँ से किए हैं? स्टडी मेरा पूर्णिया से हुआ है, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने पटना से किया है। जेडी वुमेंस बता रही थी आप? मैंने इंटरव्यू में देखा। हाँ, जेडी वुमेंस। तो मान के चलिए आगे चलकर अगर आपका कभी मैरिज वगैरह होता है, तो ये टी स्टॉल ऐसे बरकरार रहेगा या खत्म? मतलब बरकरार रहेगा सर, बहुत। तो आप रहिएगा या हेल्पर रखिएगा यहाँ पे? देखो जैसा आगे होता है, मैं तो अगर अच्छा चलता है तो मैं हेल्पर रखूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये है आत्मनिर्भर चाय वाली का टी स्टॉल। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत टी स्टॉल के दिखा देता हूँ, ऊपर में इन्होंने लिख रखा है ओम नमः शिवाय, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लिखा है न्याय हो जाए, और कुल्हड़ चाय 10 रुपया, स्पेशल चाय 15 रुपया, पान चाय 20 रुपया, मसाला चाय 20 रुपया। तो चलिए फिलहाल अभी उनसे
पूछते हैं कि क्या ये सारे चाय जो है वो अभी अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। एंड साइड में भी उनका यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, साइड में कुछ इस तरह का लिखी हुई है, उस पर भी आप लोग देख सकते हो। जो फ्रंट में जो चीज़ प्रिंटेड था वो साइड में प्रिंटेड है एंड उस साइड भी प्रिंटेड है। और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अपना फोन पे का स्कैनर लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने ऊपर में लिख रखा है डियर गर्ल्स किल एक्सक्यूज पीस अपॉर्चुनिटीज मैरी गोल्स। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है मोटिवेशन के लिए। और यहाँ पे पीछे भी अपना ये इन्होंने पेटीएम और फोन पे का स्कैनर दे रखा है। यानी पीछे का आप लोग यहाँ पे उनका देख सकते हो, टी स्टॉल का जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अपना कुछ शायरी वगैरह लिख रखा है। जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चल कर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। एक चाय दे दीजिए मुझे, चॉकलेट चाय तो अभी नहीं मिलेगा एग्जैक्ट बनाने में। तो यहाँ पे अभी हमने चाय ले लिया है और चाय को फिलहाल अभी टेस्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि चाय का जो टेस्ट है वो कैसा है कैसा नहीं। चाय का टेस्ट और ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बस ठीक ठाक है ना। अभी मतलब मैं एकदम सुबह सुबह आया हूँ, मतलब कि इनका टाइमिंग जो होता है वो टी स्टॉल ओपन करने का टाइमिंग होता है 7 बजे से, बट मैं आया था 8 बजे, तो पता चला कि 8 बजे ही ओपन की है। काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं अभी इनका, मतलब कि थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल पर भी आ रही हैं और काफ़ी यूट्यूब वाले लोग भी इनको पर आके वीडियो बना रहे हैं। यार चाय का टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है चाय का टेस्ट। और इनके बारे में मतलब क्या कहना चाहिएगा जो लड़कियों को मतलब चाय को मतलब सेल कर रहे हैं? अच्छा है, आत्मनिर्भर है, नाम आत्मनिर्भर है, खुद पे आत्मनिर्भर है, हौसला है इनके अंदर, सब चीज छोड़कर अपना चाय का स्टॉल खोल रही है। इससे बढ़िया और क्या, और क्या चाहिए? तो अभी डस्टबिन नहीं रखा है तो फिलहाल तो इसको अभी यहीं पे फेंकना पड़ेगा। अभी कोई डस्टबिन वगैरह नहीं रखा है क्या यहाँ पे? हो सकता है। यहाँ पे चाय पी लिए? हाँ चाय पी लिए। चाय पीकर कैसा लगा चाय का टेस्ट? कैसा चाय का टेस्ट? अच्छा रहा। चाय पीने आए थे स्पेशली या ब्लॉग वगैरह बनाने आए थे? स्पेशली मैं ब्लॉग बनाने आया। चाय पी लिए? हाँ चाय पिए। कैसा लगा चाय पीकर? चाय बढ़िया था, अच्छा था। चाय में टेस्ट था ग्रेजुएट? हाँ, चाय वाली से। और यहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस था कुछ? नहीं तो चाय ही होता है और हाँ। क्या, और कुछ लोग बोलते हैं 5 चाय तो हो सकता है उसका कुछ फ्लेवर अलग अलग। हाँ तो फिलहाल अभी तो हम 5 चाय पिए नहीं है। कैसे पता चला कि यहाँ पे अपना टी स्टॉल मतलब लगाई हुई है? कहीं पढ़े हैं, एथीएम म्यूजियम पढ़े हैं, डेली हंट में कहीं पढ़े हैं। अच्छा, डेली हंट। चाय का टेस्ट कैसा लग रहा है? मैंने ठीक है, चाय का टेस्ट अच्छा है। और ग्रेजुएट चाय वाली आपने मतलब चाय टेस्ट किया था? वहाँ पे नहीं गए थे? अच्छा, आप यहीं के लोकल हैं? लोकल नहीं है, मैंने बिहार के हैं लेकिन यहाँ रहते हैं हाजरपुरी में। चाय का टेस्ट अच्छा है ना? तो यहाँ पे कुछ ग्रेजुएट चाय वाली से थोड़ा हटकर और साइड का व्यू कुछ इस प्रकार का है। मतलब यहाँ पे कुछ व्यू ऐसा है इनका, और ऊपर में देख सको इन्होंने मतलब बहुत अच्छा किया है, पेड़ के नीचे मतलब लगाई हुई है अपना स्टॉल, तो बेस्ट है, मतलब धूप वगैरह नहीं लगेगा। और यहाँ पे साइड में पेड़ वगैरह काट रखे हैं। और इस साइड आप लोग देख सकते हो वहाँ पे सभ्यता द्वार, ये है ज्ञान भवन, और ज्ञान भवन के जस्ट इस साइड इन्होंने अपना टी स्टॉल लगाया है। तो जिसको भी अगर आना होगा तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत इनके ऊपर मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, इनका थोड़ा बहुत मैंने पूछा इनसे, थोड़ा बहुत इनसे क्वेश्चन वगैरह किए, इनके बारे में पूछा, इनके बारे में आप लोगों को बताया, मैं थोड़ा बहुत दिखाया हूँ। मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं इनसे पूछा भी कि आपने ग्रेजुएट चाय वाली का क्या कॉपी कर ली है क्या, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, लोग बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट मैंने उनका कॉपी नहीं किया है, मैं उनसे इंस्पायर्ड हुई हूँ। तो इनका कुछ यही कहना है। सो गाइस फिलहाल तो इन्होंने अपना टी स्टॉल यहीं पर लगा रखा है ज्ञान भवन के जस्ट सामने। अगर जो आना चाहते हो यहाँ पर आओ, एक बार आकर इनका भी चाय को टेस्ट करो और विजिट करो। सो गाइस ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।